जैसा कि हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सॉलिड्स की डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो अभी हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ वी कैन डिफाइन इट। आइंस्टाइन सेड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ व्हेन फॉल ऑन द मेटेलिक सरफेस सम इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड। किसी भी मेटेलिक सरफेस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को अगर डाला जाए तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने इसको डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा मॉल्स में अपने आप खुलने और बंद होने वाले गेट लगे होते हैं। मान लेते हैं यहां एक लाइट सोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, यहां पर डिटेक्टर है, जैसे ही ये लाइट बीम इस डिटेक्टर पर पड़ेगी गेट अपने आप खुल जाएगा और जब आदमी अंदर चला जाएगा तो गेट अपने आप बंद हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, एक लाइट सोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हो रहा है, यहां पर डिटेक्टर है यानी कि गेट है, गेट के ऊपर डिटेक्टर लगा हुआ है। अगर यहां से लाइट बीम लगातार इस गेट के डिटेक्टर पर पड़ रही है तो गेट बंद रहेगा। जैसे ही कोई आदमी बीच में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम पड़ना बंद हो जाएगी और गेट अपने आप खुल जाएगा। दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सीन इन अ वैक्यूम चैम्बर ओनली, वैक्यूम चैम्बर इज रिक्वायर्ड। हियर इज द डिटेक्टर एंड हियर इज द मेटल सरफेस। क्यूरियर, यहां हमने एक अमीटर लगा रखा है और दिस इज बैटरी। जैसे ही इस वैक्यूम चैम्बर में इस मेटल सरफेस पर जब इस बैटरी से करंट फ्लो होगा और हम इस पर जब लाइट बीम डालेंगे, लाइट बीम जब डालेंगे देन वी विल सी सम इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिटेक्टेड बाय दिस डिटेक्टर। और कैसे देखेंगे, अमीटर में डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। जैसे ही अमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा हम समझ जाएंगे यहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है। यहां पर जो इंसिडेंट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस मेटल के आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मेटल की मेटल से अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो मेटल यूज करेंगे जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो। तो आप देखेंगे इन होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल सीजियम इज लार्जेस्ट, सो द लो इट विल हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि बहुत थोड़ी ही वेव एनर्जी देने पर सीजियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। यहां दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे मेंटेन की जाए और दूसरा फैक्टर है कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज कैसे की जाए। तो पहला फैक्टर जो है, हाउ वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स,
तो वो कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इन दिस ग्राफ यू कैन सी, यहां इस एक्सेस पर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लिया है और यहां हमने लिया फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डिनोटिंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंसिडेंट लाइट का कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल से अलग हो जाए और मेटल की सरफेस पर जाए। तो न्यू नॉट को, दिस इज कॉल्ड न्यू नॉट, इसको हमने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी तो क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। और अगर हमको नंबर, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज्यादा करना हो तो दैट नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप तो सब्सक्राइब करो, दिस इज द टाइम ऑफ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाउ वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंसिडेंट लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द मेटेलिक सरफेस इज यूटिलाइज्ड इन टू वे। टोटल एनर्जी जो है लाइट की, इंसिडेंट लाइट की, वो दो तरह से यूज में आ रही है। उसका कुछ पार्ट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के काम आ जाता है। सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट यूज इन ब्रेक अप द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और टोटल एनर्जी का ये वाला पार्ट कहलाता है वर्क फंक्शन। द रेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट 100 जूल है, इसका कुछ पार्ट यानी कि 60 जूल पार्ट वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को तोड़ने के काम। तो रेस्ट पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। अगर सपोज करें इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ही 60 जूल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स तो ब्रेकअप हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो टोटल एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो वर्क फंक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सके और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर सके। देन ओनली द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैटर। तो काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सीन ओनली इन वैक्यूम चैम्बर। मेटल का करेक्टर होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो, और वो सबसे लो होगी सीजियम की। मैक्स अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी हो, इंक्रीज करनी हो, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दीजिए। पर सेकंड में इजेक्टेड नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना हो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दीजिए। और जो टोटल एनर्जी होगी वो दो तरह से काम आएगी, एक वर्क फंक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। नाउ we have to draw the formula for the photoelectric effect. We discuss total energy will utilize in two ways, in work function and in kinetic energy. तो एक photon की energy कितनी, incident light की energy कितनी,
एच न्यू, और इस एच न्यू का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को तोड़ेगा, इस एनर्जी का कुछ पार्ट एच न्यू नॉट एज वर्क फंक्शन, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। We will take the h nu naught over left hand side. So h nu naught minus h nu naught will equal to kinetic energy. H we can take common, so it will be nu minus nu naught. Here nu is the frequency of incident light and nu naught is threshold frequency. This is one of the formulas of the photoelectric effect. एक और फार्मूला बनाना चाहे इसी इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड करेंगे, देन इट विल बिकम एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ये एज इट इज रहेगा h न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस एम स्क्वायर वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज p स्क्वायर, वेयर p इज द मोमेंटम, and momentum can be written as P is equal to mv. So this is also one form of photoelectric effect. P square upon 2m is equal to h nu minus nu naught. On this equation we can apply this formula which we have done. C is equal to nu lambda, where c is the velocity of light, nu is the frequency, and lambda is the wavelength. This equation can be written as nu is equal to c by lambda. When we will apply the value of nu over here, it will be c by lambda. And when in place of threshold frequency we will apply, it will be c upon lambda naught. So half mv square is equal to h c upon lambda minus c upon lambda naught. Lambda naught will be threshold wavelength now. जैसे mu naught threshold frequency हुई, ऐसे mu naught threshold wavelength. From here c we can take common. So one another form of photoelectric effect will be हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी एस सी वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नॉट। एक न्यूमेरिकल करेंगे, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस मच स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन and volt velocity of photoelectron. Energy of photon, ये metal surface, इस पर incident light डाली जा रही है, तो incident light की energy लिखी जाएगी E is equal to h nu से, which can be written as s c by lambda, nu is equal to c by lambda put किया, h is the Planck's constant having value 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Then velocity of light and then wavelength, given wavelength. So we will get the energy of the photon which is falling on metallic surface. जैसा हमने यहां डिस्कस किया, टोटल एनर्जी is equal to work function and kinetic energy. तो यहां पर हमने वही लिखा, total energy is equal to work function plus kinetic energy. तो kinetic energy को लिखा जा सकता है, work function को left side ले जाएंगे, energy minus work function. Total energy we have already, work function we have 2.3 electron volt, और इसको भी जूल में convert कर लेंगे. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से मल्टीप्लाई करेंगे।
so we will get the kinetic energy in joules. Once again, if we want to convert it into electron volts, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 रेस टू द 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। अब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वेलोसिटी निकालो। काइनेटिक एनर्जी इज 1.56 into 10 to the power minus 19 जूल एज वी हैव कैलकुलेटेड। वेलोसिटी निकालेंगे तो 2 को इधर ले जाएंगे, एम को नीचे ले आएंगे, तो 2 into 1.56 into 10 to the power minus 19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो केजी में है डिवाइड करेंगे 9.1 into 10 to the power minus 31 से, एंड वी विल गेट द वेलोसिटी 0.34 into 10 raised to the power 12। और जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे देन वी विल गेट 5.85 into 10 raised to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी आल्सो वी कैन हैव। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल एज दिस फॉर्मूला आल्सो। इफ फ्रीक्वेंसीज आर गिवन वी विल यूज दिस वन, इफ वेवलेंथ्स आर गिवन वी विल यूज दिस वन। इन दिस वे वी कैन डू द कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स। सम मोर न्यूमेरिकल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।